एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और मेरी नई यूट्यूब वीडियो एक छोटी सी क्यूनेट सीरीज के ऊपर बेस्ड है। कुछ लोग मुझसे कमेंट पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने कमेंट पे रिप्लाई तो किया उनको, बट वो इंटरेस्टिंग इतने हैं कि मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी उनके आंसर्स जानने चाहिए। सबके लिए वीडियो, ये कॉमन वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक पर्सन ने मुझसे बोला कि वीडियोज रिकॉर्ड करने का कोई यूज नहीं है, इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यूनेट के जो पोस्ट आते हैं फेसबुक पोस्ट या इस तरीके से, उन पे नेगेटिव कमेंट्स डालने चाहिए। उनको ये लगता है कि क्यूनेट के जितने भी पोस्ट आ रहे हैं वहाँ पे 95% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, यानी उसे कोई चला रहा है, यानी नेगेटिव वीडियोस को कोई डिलीट कर रहा है समथिंग। देखो, बहुतों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या ये सच है? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। हो सकता है कोई मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है कमेंट्स डिलीट हो रहे हो, क्योंकि एक अथॉरिटी होती है एडमिन के पास। बट वीडियोस बनाने का पर्पस उनको मैं समझाना चाहता हूं। आपने अगर स्पॉन्सर्ड एड देखी होगी क्यूनेट्स की, तो वहां पे 95% वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स हैं। कभी चेक करना, अगर आपको बाई चांस मिल जाए स्पॉन्सर्ड एड, तो वहां पे मैक्सिमम नेगेटिव कमेंट्स है। शायद 1-2-3 आपको मिलेंगे जो पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा वहां क्यों है? क्या वहां क्यों ना डिलीट नहीं कर पाता? ऐसा वहां भी ज्यादा कमेंट्स आए होंगे नॉर्मल पोस्ट पे भी, उस पे भी ज्यादा क्यों है और उस पे क्यों ना डिलीट हो पा रहा? तो ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। अब बात क्या है, वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ है अवेयरनेस। क्यूनेट और डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो क्यूनेट का एक पार्ट है। क्यूनेट को अपना नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है, और बाय डिफॉल्ट क्यूनेट को प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटर का। बट होता क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्यूनेट कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर उनके अंदर भी एक लालच होता है कि मुझे इतना कमाना है, उतना कमाना है, ऐसे कमाना है, वैसे कमाना है। कुछ लोग तो सही रास्ते पे चलते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पे चलते हैं, और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वही सारा काम खराब कर रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। क्यूनेट के नाम पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम खराब कर रहे हैं, एक दूसरे को स्कैम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ अपने एक मोटिव के लिए जो उनको पैसा दिख रहा है। तो ये वीडियो भी उसी की कंटिन्यूशन में मैं बताना चाहता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, क्योंकि जो नॉलेज मैंने ली है क्यूनेट को समझ के, चाहे अंदर रह के या बाहर से रह के, मैं चाहता हूं वो इस पूरे इंडिया तक, क्या पूरे वर्ल्ड तक, जो भी हिंदी लैंग्वेज समझ पाता है वहां तक ये बात पहुंचे। अगर नहीं समझ पाता कोई हिंदी, तो प्लीज उसको ट्रांसलेट करके समझाइए। क्यूनेट सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर काम करती है। उसने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ टाई अप किया है, और वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल करते हैं, और उन सेलिंग पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव कमीशंस मिलते हैं। क्यूनेट के पास एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्लान है, अगर आप चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अब मेरे को एक चीज और बतानी है, बहुत से लोग ये करते हैं कि शार्प का एयर प्यूरिफायर क्यूनेट के पास भी है 94,000 का, शार्प का एयर प्यूरिफायर अमेजोन पे मिल रहा है 30,000 का, यानी क्यूनेट स्कैम कर रहा है। मेरे को ये रिप्लाई देना है उन लोगों को, क्या आपने दोनों के मॉडल स्पेसिफिकेशंस चेक किए, दोनों को कंपेयर किया? myshark.in ये वेबसाइट है इंडिया की शार्प कंपनी की, आप प्लीज उसे ओपन कीजिए, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट शार्प के प्रोडक्ट्स हैं, और जो मॉडल नंबर क्यूनेट के पास है उसी मॉडल नंबर को एक बार आप निकाल के देखिए। आप उनकी वेबसाइट से परचेज नहीं कर सकते, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मॉडल, ये प्रोडक्ट आपको क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ही परचेज करना पड़ेगा। तो जब कंपनी खुद टाइप करके ये काम कर रही है, तो क्या उसको अपनी रेपुटेशन की, इज्जत की परवाह नहीं है? शार्प, कैंट, ये कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है। हमने कितने प्रोडक्ट्स लिए होंगे, पूरे इंडिया में कितने प्रोडक्ट सेल हुए होंगे कैंट और शार्प के, बट क्यूनेट और इसमें आते ही जुड़ते ही ये स्कैम हो गया, ये फ्रॉड हो गया। प्लीज प्रोडक्ट सर्विसेज को कंपेयर कीजिए,
अगर वो सेम मिल रहा है कहीं भी मार्केट में तो वो गलत है। फिर से कहूंगा, अगर वो 90,000 का मिल रहा है क्यूनेट पे सेम प्रोडक्ट, और अमेजोन पे मिल रहा है वही सेम प्रोडक्ट 14,000-20,000 का या 90 से कम का, तो वो गलत है, वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। बट उस फ्रॉड को प्रूव करने के लिए उसकी उसकी कैलकुलेशंस, उसको कंपेयर तो कीजिए, उसको दिखाइए तो सही कि ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, इन दोनों की स्पेसिफिकेशन तक सेम है, तब जाके आपको पता लगेगा ना स्कैम फ्रॉड है कि नहीं। मेरा सिर्फ पर्पस वीडियोस का इतना है अवेयरनेस, ताकि बहुत से लोग बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, उनको आउटपुट नहीं आ रहा, फिर वो स्कैम फ्रॉड की भाषा ही बोलते हैं। हमसे काम होगा नहीं होगा ये हमें भी नहीं पता होता, बस हम भी एक पैसे के लालच में एंट्री करते हैं, हमें भी कमाना है इसलिए तो हम नए नए ऑप्शंस ढूंढते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस के चक्कर में जब हमारा दोस्त या कोई भी रिलेटिव या कोई भी पर्सन हमें अप्रोच करता है तो हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट बाद में ब्रेक हो जाता है जब हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, ताकि आप सबको मैं क्यूनेट की नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज दे सकूं जितनी मुझे अवेलेबल है, जितना मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री से। ये बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस इंडस्ट्री को खराब होने मत दो, ये भी एक प्रोफेशन ही है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट या और कोई भी प्रोफेशन होगा उसके जैसा, ये भी एक प्रोफेशन ही है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है इस इंडस्ट्री को खराब मत होने दो। अगर आपको लगता है कि स्कैम फ्रॉड हो रहा है तो उसके बिल्कुल जड़ तक जाओ कि वो कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है स्कैम। क्योंकि क्यूनेट अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है अब्रॉड में, और इंडिया की नई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन शायद आ जाएंगी क्योंकि ड्राफ्ट फॉर्मुलेशन हो चुका है, उसको कंपेयर भी करेंगे तो क्यूनेट उसमें भी ऑन पेपर्स लीगल है। तो आप और मैं क्यूनेट का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑन पेपर्स वो लीगल है। प्रॉब्लम यही है, हम सब डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम नहीं समझ पा रहे जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं फिर से याद दिला दूं लास्ट वीडियो की तरह, अगर आपको कोई भी अप्रोच करता है इस तरीके से, मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बताता हूं, ऐसे स्टार्ट करते हैं वो लोग, और भाई क्या हालचाल है, लाइफ कैसी चल रही है, और क्या कर रहे हैं आजकल, एंड ऑल, वो सब आपसे पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, और ये गलत नहीं है, ये एक बेसिक मार्केटिंग टेक्निक है। अगर आप बैंक के क्रेडिट कार्ड या कोई दोस्त कोई लग जाए आपके उसमें, तो वो भी आपसे इनिशियली स्टार्ट ऐसे ही करेगा, कोई आपका खास फ्रेंड होगा या रिलेटिव होगा वो भी ऐसे ही करेगा। बट डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, क्यूनेट वाले आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताते, बट जो मार्केटिंग सेल्स का पर्सन था वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। तो थोड़ा सा अलर्ट होके इनके कंपैरिजंस को समझिए, फिर जाके डिसीजन लीजिए कि क्या स्कैम, क्या फ्रॉड, क्या चीज गलत चल रही है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के रिप्लाईज दूंगा। और रिप्लाई देने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि बहुत से लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये विजुअलाइज, ये जनरलाइज फॉर्म की वीडियो है, जो किसी और के माइंड में भी क्वेरीज होंगी तो उनके भी आंसर कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को जो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं और वीडियोज ला सकूं। मैं सिर्फ क्यूनेट पे वीडियोज नहीं बनाने वाला, मैं बिजनेस के ऊपर वीडियोज भी बना चुका हूँ, बनाऊंगा आगे, तो प्लीज सपोर्ट मी, और अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।